खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के। प्यारी वाणी है, क्या तुम ईश्वर को याद करते हो? क्या तुम्हें ईश्वर याद है? जैसे तुम सुबह उठते हो, देखते हो कि तुम मुझसे बात करोगे, भगवान सोचता है कि शायद तुम मुझसे बात करोगे। फिर भगवान ऑफिस जाने तक आप सो देख रहे हैं, शायद आप मुझे दो हाथ जोड़ोगे। फिर आप चले गए, आपने परवाह नहीं करी। फिर आप ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे, लंच टाइम आया, शायद आप भगवान ने सोचा अभी तुम सबके बीच में मुझको याद करोगे, लेकिन तुमको शर्म आ गई कि बाकी लोगों के बीच में मैं कैसे बोलूं, तो तुमने मुझे माथा भी नहीं टेका और खाना शुरू कर दिया। भगवान का सहनशीलता देखो कितनी होती है, होप कितनी होती है। फिर तुम ऑफिस से घर आ गए, घर आके तुमने, घर में कोई नहीं था, तुमने क्या करा, टीवी उठा लिया, रिमोट उठा लिया और टीवी देखने लगे, तो भी तुम्हारे पास टाइम था भगवान को याद करने। फिर शाम पड़ गई, आपने खाना खाया और आप सो गए, तो भगवान ने कैसे सोचा कि कोई बात नहीं, कल मुझे फिर याद करेंगे। हम ये नहीं करते हैं, हम हौसला खो डालते हैं, होप खो डालते हैं। भगवान आशा बनाए रखता है कि कल शायद फिर मुझे ये याद करेगा। ये फर्क है जो बोलते हैं क्या तुम ईश्वर को याद करते हो। कितनी बड़ी सीखने की बात है, धैर्य, उम्मीद लगाए रखना। जैसे अपने बच्चों से उम्मीद लगाते हो एक दिन वो ठीक हो जाएगा, ऐसे भगवान हमारे से उम्मीद लगाए रखता है कि मेरे बच्चे मुझे याद करेंगे। हम लोगों की देखा देखी में, लोगों की शर्म में भूल जाते हैं। जब तुम दोपहर को खाना खा रहे हो ऑफिस में, अंदर से लोग कर रहे हैं, उन्होंने बाहर से भी करा है, लेकिन तुमने सोचा लोग मुझे देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो तुमने उस समय भी याद नहीं करा। तो भगवान ने क्या सोचा, शायद तुम घर जाओगे फिर मुझे याद करोगे, फिर मुझे याद करोगे। तो घर जाके तो हम अपना टीवी खोल के बैठ गए, फिर शाम पड़ गया, फिर खाना खाया, फिर सो गए। तो इतने छोटे उसमें से सीखने की बात है कि क्या मैं भगवान को याद हूं। इस तरफ भी हम जागे हुए नहीं होते हैं, हमारी चेतना जगी हुई नहीं होती है। तो चेतना को जगाने के लिए गुरु आता है बार बार, बार बार हमको कुम्हार बन जाता है गुरु। कुम्हार क्या करता है, मट्टी को मारता भी है और मटका भी बनाता है। गुरु का काम होता है ये हमारे पे मेहनत करना। गुरु दिलाता है, जात दिलाते हैं, भगवान जी ने जात दिलाया, भगवान है, मैं नहीं हूं, मैं कहीं भी नहीं हूं। तो जब भगवान है तो मेरे को मुश्किलें कहां से आएंगी, कहीं से भी नहीं। एक जीने की कला की वाणी है जिसमें शुरुआत हमें दिन की करनी है कि क्या भगवान को मैं याद हूं, क्या तुम ईश्वर को याद करते हो। हम कब करते हैं, जब बहुत सारी प्रॉब्लम हमको आती है। एक बार मैं किसी हॉस्पिटल में किसी कारण किसी को देखने गई थी, तो लिफ्ट के पास खड़ी थी, उधर से एक ओल्ड लेडी ऑन द व्हील चेयर, शी इज सेइंग हे भगवान मुझको ले जा। तो मैं तो अकेली थी इसलिए हंस नहीं सकी थी उस समय, मैंने सोचा इसको भगवान क्या करेगा। जब हम पूरा टूट जाते हैं शरीर से और फिर भगवान को याद करते हैं, भगवान क्या करेगा। और जब बिल्कुल ठीक है तब हम भगवान को याद ही नहीं करते हैं। जब हेल्दी शरीर है हम कितना कुछ कर सकते हैं, जब शरीर ने साथ छोड़ दिया फिर चलो जी भगवान, किसी सत्संग में बैठ जाते हैं और दुनिया से जाते समय थोड़ा सा हम सत्संग सुन लेते हैं, वो कुछ आगे नहीं जाता है। हमेशा अपने बेटे बहुओं को ट्राई करो, वो यंग एज में आए, उनको जरूरत है, बड़ों को जरूरत नहीं है, उनको संस्कार डालने हैं। हमें तो हो गया, हमारा काम तो हो गया,
हरिओम, गॉड ब्लेस।